मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं आर ए टी वी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुर्ला सीएसटी रोड पे, किस्मत नगर पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सेवा संविधान सेवा समिति और ग्रुप्स ऑफ काइंडनेस, तमाम सामाजिक संस्था जो है उनके द्वारा। इस तरफ आप देख सकते हैं मेडिकल कैंप रखा गया है, यहाँ पे ई श्रम कार्ड और आयुष्मान कार्ड का भी आयोजित रखा हुआ है। कैमरामैन से हम अपील करेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम कैंप रखा गया और सभी लोग इसका लाभ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। हम आप बात करेंगे आदिल भाई से, जो कि संविधान सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे आदिल भाई, यहाँ पे किस तरीके का मेडिकल कैंप रखा गया और आपके द्वारा यहाँ पे क्या सुविधा दी जाए? तो सबसे पहले तो जो लोग भी देख रहे हैं आपका ये चैनल, उनको मैं सलाम और दुआ देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये, जो हमारा संविधान सेवा समिति के थ्रू हम लोग क्या है, बहुत सारे सोशल वर्क कर चुके हैं पहले भी, और ये जो स्पेसिफिक मेडिकल कैंप हमने रखा था सीएसटी रोड किस्मत नगर में, इसके पहले हमने पाइप रोड पे भी एक कैंप किया था। रूट्स ऑफ काइंडनेस के थ्रू 2024 में कम से कम 5 मेडिकल कैंप हो चुके हैं। अब इसमें हम लोगों ने बहुत सारी सुविधा दी है, जैसे फ्री ब्लड चेकअप है, ईसीजी का है, आँख का आप अपना चेकअप करवा सकते हो, और यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है आप क्या क्या चेक कर सकते हो, ब्लड प्रेशर से लेके हर चीज़। अब होता क्या है ना भाई, के जैसे अपने जो भी एरिया है, स्पेसिफिकली जो मुस्लिम बहुल एरिया है या फिर जहाँ पे अपने बहुजन भाई लोग रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियली वीक रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जाने कि उनकी बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से मतलब फिर टैकल किया जा सकता है। क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं कराओगे, जब तक आप ये जानोगे नहीं कि आपके अंदर क्या इशू है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हम लोग का ईश्रम, आयुष्मान कार्ड, और यहाँ पे जो हमने एक डिफरेंट काम किया है, यहाँ पे हम लोगों ने हिजामा का भी फ्री में हिजामा का भी हम लोगों ने इंतज़ाम रखा था, जहाँ पे अपना ब्लड कपिंग थेरेपी जो इंग्लिश में बोलते हैं आप वो करवा सकते हैं। भाई जैसा अगर यहाँ पे चेकअप कराने पे किसी को अगर कोई बड़ी बीमारी निकलती है तो उसका आगे का क्या प्रोसीजर होगा आपके लिए? नहीं देखिए, आगे अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी निकलती है उसमें 2-3 ऑप्शन है। एक तो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट करके एक स्कीम है 1950 के अंदर जो आई थी, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, वो एक्ट के थ्रू आप बहुत सारे ट्रस्ट के हॉस्पिटल है जहाँ पे आप अपना इलाज करा सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था जो काफ़ी वायरल भी हुआ था। उसमें ऐसा होता है कि जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल होते हैं उसमें लगभग 20% सीट जो बेड्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं, 10% के अंदर टोटल फ्री इलाज होता है, आपकी इनकम उसके अंदर 85,000 से ईयरली नीचे होना चाहिए, और 10% जो होता है 50% में होता है। उसके अलावा ये आयुष्मान के थ्रू जो अपना महात्मा फुले का जो स्कीम है वो आप अवेल कर सकते हो, 1.5 लाख तक का वो होता है। उसके अलावा अगर जैसे अभी हम लोग एक केस कर रहे हैं जिसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट है जिसके बिल्स बहुत बढ़ गए हैं, तो हम क्राउड फंडिंग जो वेबसाइट्स है उसके थ्रू हम बच्चों के लिए या फिर अगर जो भी एडमिट है उसके लिए हम ये करवा सकते हैं, फंड रेस करवा सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे अलग अलग स्कीम है जिसके अंदर आप ट्राई कर सकते हो, बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स भी है, तो हम लोगों को गाइड करते हैं उसके बारे में। जैसे स्पेसिफिकली अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखोगे तो कोविड से लेके अभी तक काफ़ी लगभग 100-200 से ज़्यादा लोगों को माशाल्लाह अपने थ्रू हम लोगों ने ये करवा चुके हैं। कोई भी हमको फ़ोन आता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो हम उनकी ट्राई करते हैं, हेल्प करें, उनको गाइड करें। अगर हमारा जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग भी नौकरी धंधे वाले हैं, अगर कुर्ला और एतराफ़ कर रहा था तो हम विज़िट भी कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी स्कीम है जिसके अंदर आप इलाज करवा सकते हैं। आपकी संस्था द्वारा और क्या क्या मुद्दे उठाए जाते हैं और किस किस चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है? देखो, संविधान सेवा समिति और स्पेसिफिकली हमारा जो ग्रुप है, हम लोगों ने सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किए थे तो हमने स्टार्ट इससे किए थे कि जो कॉरपोरेशन होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसकी अकाउंटेबिलिटी वार्ड लेवल पे क्या होना चाहिए। तो जैसे रोड के गड्ढे हैं, ठीक है, रोड रास्ता बन रहा है, उसके अंदर क्या करप्शन भी हम लोगों ने कुछ उजागर किया था, जिसके अंदर एक रोड बना था और बाद में रोड को खोद दिया गया था। हमने एक ग्राउंड का मुद्दा भी उठाया था, जो बिल्डर था वो पूरा मतलब पूरा कब्जा हो गया था, तो उसके अंदर बाद में हमारे आज भी ये लोग बोलते हैं कि आप लोगों के मुद्दा उठाने की वजह से वो बिल्डर को 30% जगह छोड़ना पड़ी, नहीं तो वो पार्किंग बन जाती। ये मैं नहीं बोलता, ये लोग मेरे को बोलते। तो ऐसा बहुत सारे जो है ना, हमने इसी से शुरू की थी। फिर उसके बाद में हमने जब CANRC आया तो हमारी संस्था ने CANRC के ऊपर भी हमने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया। सबसे पहला जो बॉम्बे में प्रोटेस्ट हुआ था वो हम लोग ने किया था, मुंबई के अंदर जो संसार होटल पे हुआ था, अगर मेरे को सही से याद है तो 14 फरवरी का दिन था, 2020 की डेट थी जब हम लोगों ने ये किया था प्रोटेस्ट। सेम डे पे समाजवादी का एक प्रोटेस्ट था आज़ाद मैदान में, वो फर्स्ट प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था जब जमीयत के ऊपर हमला हुआ था पुलिस द्वारा। उसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने काफ़ी हम लोग शाहीन बाग भी जाके आए दिल्ली में शाहीन बाग भी गए थे, वहाँ पर भी हमको बोलने का मौका मिला। जमीयत गए थे, वहाँ पर हमको बोलने का मौका मिला। तो हम हर तरह का जो भी मुद्दा होता है, चाहे वो कौम से रिलेटेड हो, इंसानियत से रिलेटेड हो, हम सब मिल के करते हैं। और हमारे ग्रुप में हर किस्म के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं।
हमारे साथ यहाँ पे रूट्स ऑफ काइंडनेस की रेशमा मैडम मौजूद है। मैडम, क्या कहेंगे आप, किस तरीके की आपकी तरफ से यहाँ पे सुविधा दी जा रही है? हमारा ये 5th मेडिकल कैंप है, हम अक्रॉस मुंबई मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं। इसमें जितनी भी ट्रीटमेंट जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट करने के साथ साथ में अगर कोई ऐसा, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स लेकर आए थे जिनका CT था, MRI था, PET CT से बहुत कुछ केस था, हमने उसको अलहमदिल्ला जैसे वो मेडिकल कैंप में आए हैं, उनकी हालत देख के, उनकी चीज़ें देख के पता चला, हमने वेरिफिकेशन टीम में डाला है। जैसे वेरिफिकेशन होता है तो हमने उनको अश्योरिटी दिया है कि सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएंगे। इसके अलावा रूट्स ऑफ काइंडनेस जो है अभी रमज़ान इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही है, जिसमें हम फ्री इफ्तार और फ्री सहरी 3 लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें कि एक स्टॉल्स लगेंगे पर्टिकुलरली, और डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। हमारे पास लिस्ट आई है तो वैसे ही हम उसको पूरा 30 डेज तक ऐड करेंगे। ये किचन जो भी करेंगे, ये जो इद्दत में औरतें हैं वो उन्हें खाना बनाएंगी, और जो भी डिसेबल वुमेंस है वही पैक करेंगी, और इंशाअल्लाह ताला हम इसका वीडियो भी डालेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस रहे कि किस तरीके से कितनी हाइजीनिक लेवल पे किया जा रहा है। और वॉलेंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, हमारे पास अभी 220 वॉलेंटियर्स हैं जो ये टास्क पूरे रमज़ान में अक्रॉस मुंबई करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से रूट्स ऑफ काइंडनेस और तमाम सामाजिक संस्था के द्वारा मेडिकल कैंप रखा गया, क्या कहेंगे आदिल भाई, क्या कहते थे? मैं ये बोला था कि पूरे मुंबई के अंदर अगर किसी को भी इस तरह का कैंप कराना है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर हम भाई को दे देंगे, वो फ्लैश कर देंगे स्क्रीन के ऊपर, आप लोग हमें कॉल करें और हम लोग आपको ये पूरा अरेंजमेंट इंशाल्लाह करवा के देंगे। जो भी है जगह वगैरह का आपको देखना पड़ेगा, इंशाल्लाह जो मदद हो सके हम मदद करके इंशाल्लाह आप लोगों के लिए करवाएंगे। अगर आप लोगों को भी अपने एरिए में मेडिकल कैंप करना है तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे हम आपको उनका नंबर दिखा रहे हैं, जिस नंबर से आपसे संपर्क करना है, हम डॉक्टर से बात करेंगे, क्योंकि ये स्लम एरिया जैसा जो पाया जाता है, यहाँ पर किस तरीके की बीमारियाँ ज़्यादातर पाई गई है, तो डॉक्टर से हम बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जैसा कि आज मेडिकल कैंप रखा गया था, यहाँ पे किस तरीके की ज़्यादातर बीमारियाँ पाई गई, क्योंकि कुल्ला जो एक स्लम एरिया पर हर तरह के पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के आजकल बहुत कॉमन पेशेंट्स हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं। हर दूसरा तीसरा पेशेंट्स डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का रहता है। अभी तक सुबह से अभी तक कुछ 80-90 पेशेंट्स आ गए, जिसमें से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के ही मैक्सिमम पेशेंट्स हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे आँख का चेकअप और ब्लड टेस्ट, डायबिटीज़, ऐसे तमाम पेशेंट पाए गए हैं, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, बात करेंगे, क्या कहेंगे भाई, क्या नाम है आपका, कौन सी संस्था से आप? हम सुखबिंदर सिंह लाला भाई करके हैं, आप अप्पू भाई हमारे शारिक भाई जानते हैं। इस मोहल्ले में हमारी एक शॉप है मोटर पार्ट की, सी स्टोर में, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। ऐसे हमारे सी स्टोर मार्केट में ऐसे कैंप हमेशा लगने चाहिए, अक्सर ये कैंप लग नहीं रहते। हमारे भाई ने कुछ हिम्मत और लगाए, ये लगाने की बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिला है और हर रहवासी और दुकानदारों ने इसका पूरा लाभ, और ऐसे कैंप अक्सर लगने चाहिए हमारे सीएसओ माध्यम में। हम यहाँ के मेन रहवासी हैं, बहुत अच्छे कैंप लगे जा रहे, कोई उपाय नहीं। जय भारत। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा देंगे यहाँ के लोगों ने किस तरीके से मेडिकल कैंप का लाभ उठाया, देखिए पूरी वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RETV न्यूज़। मैं फिर हाजिर हूँ उसके साथ अम्मा खान। क्या कहेंगे भाई, आज इस मेडिकल कैंप में आप आए हुए, आपको क्या ऐसी खास चीज़ इधर नज़र आई? मैंने बहुत सारे मेडिकल कैंप्स के साथ काम किया हूँ, बट जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पर मल्टीपल फाउंडेशन है ना, एक साथ आके जो पार्टिसिपेट की है, उसमें यहाँ के ऑडियंस जो है ये स्लम एरिया है बेसिकली, और स्लम के साथ साथ है ना ये एरिया आप देख सकते हो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, जिसपे डिजीजेज मल्टीपल डिफरेंट टाइप की डिजीजेज आ रही है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रहा है, बट ये कभी भी है ना डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब इमरजेंसी सिचुएशंस होती है। इन कैंप्स का सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि इनको ऑन इनके डोर स्टेप पे है ना एक कैंप आया हुआ है, जिसके वजह से, और जो फ्री कैंप होने की वजह से ये उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आ रहे हैं, और ये मल्टीपल लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स के बेसिस पे है ना ये अपने चेकअप करा पा रहे हैं, जहाँ पर ये ब्लड भी करा पा रहे हैं, जनरल फिजिशियंस को मिलके नॉर्मल अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं, स्किन स्पेशलिस्ट है उनको प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर हिजामा का भी प्रोग्राम्स है, यहाँ पर आई का है जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल यहाँ पर केमिकल्स के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके वजह से ना इनकी जो इशूज़ है आई की, हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है,
तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मूवमेंट है, ये इन फाउंडेशंस के थ्रू जो ये इनिशिएटिव लिया, आई थिंक दिस शुड बी वेरी रेगुलर एंड वेरी फ्रीक्वेंट ताकि लोग इसका ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा काम किया जा रहा है रूट्स ऑफ काइंडनेस? आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड आई विल बी ऑलवेज सपोर्टिंग दिस फाउंडेशन, वट एवर द हेल्प दे विल बी नीडेड फ्रॉम माई एंड डेफिनेटली आई एम ओपन विथ माई टू हैंड्स, दे कैन ऑलवेज कम टू मी, रीच टू मी, वट एवर पार्टिसिपेशंस और वट एवर द अदर बेनिफिट्स दे आर लुकिंग फ्रॉम मी, आई विल बी ऑलवेज हेल्पिंग दिस फाउंडेशन। थैंक यू सर।